फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर द फंदे ऐड के आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रीन बोर्ड पे लिखेंगे। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा मेन क्वेश्चन ये है, हमें इसके हिसाब से ये इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इसके आंसर करने हैं। सो हमारा ये पहला है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ये हमारा एक सेंटेंस है, हमें इसके हिसाब से सारे आंसर देने हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे हैं? टॉमी ने कहे हैं। और अगर पूछ ले कि किससे कहे हैं तो सेट टू मार्गी। सेकेंड है, वट डज इट रेफर्स टू, अब इट रेफर्स किसको करता है? टैली बुक्स को। अब हम आगे के पार्ट करते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, वट इज इट बींग कम्पेयर्ड विद बाय द स्पीकर, इट हमने बता दिया था कौन सी है, टैली बुक्स। टैली बुक्स को किन से कंपेयर किया गया है? टैली बुक्स आर कंपेयर्ड विद ओल्ड बुक्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, श्योर दे हैड अ टीचर, सच में उनके पास एक टीचर था, लेकिन बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर था। और यहाँ रेगुलर का क्या मतलब है, ये उसका मतलब है नॉर्मल टीचर, जैसे कि हमारे ह्यूमंस होते हैं टीचर, मैन वुमेंस, ये इनकी तरह रोबोटिक टीचर नहीं थे हमारे, नहीं है हमारे, ये है यहाँ पर रेगुलर का मतलब। इट वॉज अ मैन, वो क्या था उसने बता भी दिया, मैन था। अब हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, हु डज दे रेफर्स टू, दे किसे रेफर करता है? पास्ट जनरेशन को, क्योंकि जो पास्ट जनरेशन पुरानी जनरेशन में था उसे यहाँ पर बताया गया। पास्ट जनरेशन। हमारा सेकंड पार्ट है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का क्या मतलब है? मैंने आपको अभी बताया क्या है रेगुलर का मतलब, रेगुलर का मतलब है जो नॉर्मल टीचर है उनका, नॉर्मल, इसका क्या मतलब, नॉर्मल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।